सब्सक्राइब कीजिए आई लाइक इट फॉर यू चैनल को लेटेस्ट वीडियो टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बगल में बेल का नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लें। कैसे हैं आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम मुस्तफ़ा आलम हुआ, आप देख रहे हैं आई लाइक इट फॉर यू। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कोई भी सिम को अपने घर पर ऑर्डर करे, अपने घर से ऑर्डर करे आपके घर तक पहुंच जाए, चाहे जियो हो, एयरटेल हो या भी आई हो, यानी वोडाफोन आइडिया एक दूसरे में कनेक्ट हो गए हैं। तो कोई भी सिम को ऑर्डर करने के बाद आपके 2 घंटे के बाद आपके सिम डिलीवरी एड्रेस पहुंच जाते हैं, तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। पूरा स्टेप टू स्टेप वीडियो का पूरा लास्ट देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। किसी भी कंपनी का सिम परचेज करने के लिए या किसी भी कंपनी का सिम बाय करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के एप्लीकेशन में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर सर्चिंग करना है आपको 10digi.com। जैसे कि मैं अपने गूगल क्रोम का एप्लीकेशन में आ गया हूँ, यहाँ पर सर्च कर रहे हैं 10digi.com। नीचे में देख रहे हैं सर्चिंग वाले ऑप्शन आ गए हैं 10digi। 10digi पे क्लिक करेंगे। 10digi पे क्लिक करने के बाद जैसे ही दूसरा इंटरफेस शो होता है तो अपने मोबाइल के स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर 10digi.com के वेबसाइट हैं जो अवेलेबल हैं, क्लिक करेंगे 10digi.com पर। क्लिक करने के बाद 10digi के वेबसाइट ओपन हो जाते हैं। ऊपर में देख रहे होंगे कुछ ऐसे सिटी हैं जिसका नाम शो हो जाते हैं, जैसे पुणे है, दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, और जहाँ पर आप रहेंगे वहाँ पर उसका लोकेशन ट्रैक हो जाता है। और यहाँ पर आपका सिम जो है वो 2 घंटे के अंदर अवेलेबल है, जो जिस जगह से आप ऑर्डर करेंगे आपका सिम 2 घंटे के अंदर पहुँचा दिया जाता है उसी एड्रेस पर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे 7 सिटी ऐसे हैं पॉपुलर सिटी जिस जगह पर डेली सिम परचेस यानी डेली सिम डिलीवरी होती है, इसका सर्विसेज 24 घंटा अवेलेबल है, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, बेंगलोर है, चेन्नई है, पुणे है और हैदराबाद है। 7 टॉप ऐसी सिटी हैं जहाँ पर इसके 24 घंटे सिम अवेलेबल हो जाते हैं, डिलीवरी हो जाते हैं। अपने सिटी को चूज करने के लिए अपने मोबाइल के स्क्रॉल डाउन करते हुए चूज कर सकते हैं, या अपना यहाँ पर नाम को सर्च कीजिए। जैसे मैं बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ तो मैं पटना यहाँ पर टाइप करेंगे। नीचे में देख रहे हैं पटना ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो मैं पटना वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। जिस सिटी का आप नाम सर्च करेंगे उस सिटी का नाम ऑटोमेटिक नीचे आ जाते हैं। तो मैं पटना, अभी मेरे लोकेशन अभी पटना ट्रैकिंग में है, डिलीवरी टू पटना। अब यहाँ पर नीचे में आप देख रहे होंगे 3 ऐसे ऑपरेटर हैं जो जियो हैं, एयरटेल हैं और VI हैं। तो VI हो गया वोडाफोन और आइडिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर में क्लिक करेंगे बाय प्रीपेड पे। सिम को परचेज करने के लिए बाय प्रीपेड पे क्लिक करना पड़ता है, तो बाय प्रीपेड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट ऑपरेटर, आप जिस ऑपरेटर का सिम लेना चाहते हैं जैसे जियो है, एयरटेल है और VI है। तो जियो में तो ऑलरेडी मेरा सिम है, मैं जियो का सिम परचेज नहीं करूँगा, ना मैं करने वाला हूँ एयरटेल का, मेरा 2 सिम अवेलेबल है। लेकिन VI सिम ऐसे हैं जो वोडाफोन और आइडिया एक दोनों में कनेक्टेड हैं, आप लिंक हो गया है वोडाफोन और आइडिया एक दूसरे में। तो सबसे पहले मैं VI सिम को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो VI वाले जो ऑपरेटर है उसको चूज कीजिए। चूज करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, उसके प्लान जितने भी अवेलेबल रहेंगे सभी शो हो जाते हैं। और यहाँ पर खास बात यह है कि यहाँ पर डिलीवरी भी फ्री है, जैसे पहला प्लान है 297, तीसरा प्लान है 405 और तीसरा प्लान है 497, और यहाँ पर डिलीवरी फ्री है। अब जिस जगह से आप सिम ऑर्डर करेंगे आपका डिलीवरी का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं 647 जो 84 दिन का अवेलेबल है, इसमें 1.5 GB डेटा पर डे देने वाली है, तो 647 वाले प्लान में चूज किया हूँ। चूज करने के बाद अपने मोबाइल के स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे और उसका बेनिफिट जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको लाइव ऑर्डर ट्रैकिंग किया जाएगा, आपके डिजिटल KYC 5 मिनट में हो जाएंगे, आपके पोस्ट डिलीवरी यानी कि कस्टमर सपोर्ट 24 घंटे अवेलेबल है। अपने मोबाइल का स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे,
तब यहाँ पर इंटर डिलीवरी एड्रेस यानी कि डिलीवरी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेना है। आप जिस जगह से सिम ऑर्डर करेंगे उस जगह का डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर भर लीजिए। सबसे पहले पिन कोड चूज करना है, फिर फ्लैट या हाउस नंबर चूज करेंगे। अगर आपका फ्लैट नंबर या हाउस नंबर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे, बिल्डिंग या ब्लॉक का यहाँ पर नाम दे दीजिए। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एरिया लोकेलिटी जिस जगह पर रहते हैं उस एरिया का उस लोकेलिटी का नाम दे दीजिए। पटना ऑलरेडी मेरा सिलेक्टेड है, बिहार और झारखंड ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लैंडमार्क में आप जिस जगह पर सिम मंगाएंगे, जिस जगह पर सिम आप मंगाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, उस जगह का नाम यानी लैंडमार्क यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। जिस तरह से फ्लिपकार्ट में अमेजोन पे सामान परचेस करते हैं, एड्रेस भरते हैं, उसी तरह से यहाँ फिलअप एड्रेस करना है सेम। और यहाँ पर सबसे पहले पिन कोड डाल दीजिए। अगर जिस उस जगह का पिन कोड अवेलेबल रहेंगे तो आपका सिम वहाँ पर पहुँच जाएगा। अगर आप उस जगह का पिन कोड अवेलेबल नहीं रहेंगे तो वहाँ पर आपका सिम नहीं पहुँच पाएगा। जैसे मेरे पटना सिटी का पिन कोड अवेलेबल है, अगर यहाँ पर मैं 80:10 करता हूँ जो मेरे नवादा डिस्ट्रिक्ट की पिन कोड है, तो यहाँ पर सिम अवेलेबल नहीं है, इस जगह पर इसका सर्विसेज नहीं दे पा रही है। तो अगर पिन कोड अवेलेबल हो जाते हैं तो आपका सिम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पिन कोड अवेलेबल होने के बाद जितने भी एड्रेस दिए गए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं, सभी ऑप्शंस को एक एक करके फिलअप कीजिए। फिलअप करने के बाद अपने मोबाइल के स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आएंगे और लैंडमार्क जो है, और लैंडमार्क जरूर दें। अगर लैंडमार्क नहीं देंगे तो डिलीवरी बॉय को समझ में नहीं आएगा। तो लैंडमार्क आप जिस जगह पर आते हैं उस जगह का एरिया का नाम दे दें। देने के बाद फिर उसके बाद सेकेंड मेथड है इंटर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स है सेकेंड मेथड। तो पूरा यहाँ पर नाम फिलअप कर लीजिए, जो नाम आपके हैं वो नाम यहाँ पर फुल नेम डाल लीजिए, अपने ईमेल आईडी डाल लीजिए, फिर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर दें, मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है। फिर उसके बाद चूज योर डिलीवरी डेट एंड टाइम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सबसे पहले अपना डेट चूज कीजिए, किस डेट को आप सिम ऑर्डर करना चाहते हैं, किस डेट को अपना सिम मंगवाना चाहते हैं एड्रेस पर, तो डेट डाल दीजिए। फिर इसके बाद टाइम, जिस टाइम पर आप घर पर रहते हो या ऑफिस पर रहते हो उसी टाइम पर यहाँ पर उसी टाइम यहाँ पर चूज कीजिए। डेट और टाइम चूज करने के बाद यहाँ पर चौथा स्टेप है चूज ए डॉक्यूमेंट। जिस डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल है क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन वाले ऑप्शन पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पर 5 ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो अवेलेबल हैं, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है और आधार है। तो यहाँ पर आधार कार्ड जो कंपलसरी है आधार कार्ड दे दीजिए, उसमें आपको एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों सेम हो जाते हैं। और आपके एड्रेस आपके आधार कार्ड के जो है वो सिंपल भी दिखाया गया है। इसके बाद स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल एक्टिवेशन, जिस लोकेशन पर या जिस जगह आपने लोकेशन दिए होंगे उस जगह पर आपके डिलीवरी बॉय सिम देने आएंगे और उसी टाइम आपको लाइव फ़ोटो लिया जाएगा ई केवाईसी करने के लिए। लाइव फ़ोटो लेंगे, फ़ोटो लेने के बाद फिर उसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी कि जो आधार कार्ड चूज किए होंगे उस डॉक्यूमेंट का ई केवाईसी करेंगे। आपका सिम 5 मिनट के अंदर उसी टाइम ओपन कर देते हैं, डिलीवरी बॉय हो या सिम एग्जीक्यूटिव मास्टर हो। फिर पांचवा मेथड आता है पेमेंट का। तो पेमेंट के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, कैश ऑन डिलीवरी है और दूसरा है पे ऑन डिलीवरी। जिस पेमेंट करना चाहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी कीजिए, घर पर सिम मंगवाइए उस टाइम आप पे कीजिए, या पे ऑन डिलीवरी यानी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन को चूज करने के बाद ऑर्डर नाउ पर क्लिक कर दीजिए, आपका सिम 2 घंटे के अंदर उसी एड्रेस पर पहुँच जाते हैं जिस एड्रेस आपने फिलअप किए। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट करें, कमेंट का आपका रिप्लाई 100% मिलता ही है, आप देखते होंगे, आप हर कमेंट चेक कर लीजिए, कमेंट का रिप्लाई 100% मिलता है। बस आज के इतने, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।